नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कासिमपुर के समीप भागलपुर की ओर से जा रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सामने की ओर से आ रही एक ऑटो को जोरदार ठोकर मार दी, जिसके कारण ऑटो में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसके बाद मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ फिलहाल सभी घायल का इलाज जारी है। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुल्तानगंज की ओर से आ रही ऑटो गंगा घाट से सवारी लेकर भागलपुर की ओर जा रही थी, तभी भागलपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप वैन ने जोरदार ठोकर मार दी, जबकि इसके चपेट में आकर ऑटो में सवार एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन चालक ने इससे पहले भी अफजुगंज के समीप एक साइकिल सवार और जुगाड़ गाड़ी को ठोकर मार दी थी, लेकिन ऑटो में हुई टक्कर से घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों में प्रवत्ता थाना क्षेत्र की रहने वाली मकनपुर निवासी मंजू देवी, नया गाँव गुड़ियासी निवासी जितेंद्र शाह, रूपम देवी 6 वर्षीय, मीनाक्षी कुमारी 11 वर्षीय, अभिजीत कुमार 11 वर्षीय, आयुष कुमार 10 वर्षीय, साक्षी कुमारी तिलकपुर निवासी मीरा देवी और प्रवत्ता निवासी पल्लवी कुमारी समेत कई लोग शामिल हैं। वहीं इसके अलावा शोक शाह, शुभम कुमार, सूरज यादव, उमेश पंडित, अभिषेक कुमार और जुगाड़ गाड़ी चालक सिंटू यादव भी घायल हैं। इधर इस हादसे में घायल 8 लोगों की गंभीर हालत के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं सड़क दुर्घटना की खबर मिलने पर सुल्तानगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन करते हुए गड्ढे में गिरे पिकअप वैन और ऑटो को जेसीबी की मदद से बाहर निकाल कर वाहन को कब्जे में ले लिया। यहाँ पर सामने दो टेम्पो अपना देना साइड से दबी जाए ले और एगो टेम्पो रहा तो ठीक चले, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सकले, कोई दिक्कत नहीं रहे। ओकरो बाद में होले कि जे भी होलो कि एगो टेम्पो वाला पूरा सीरियस से छे। तो टेम्पो और कुंजी बिरन तो टेम्पो उड़िया पिकअप में टक्कर हुआ और 4-5 गो साइकिल वाला गायल। कितना आदमी घायल हुआ? टोटल मिला कर कौन 10 से बेसी छ। ऑटो में ऑटो आ रही थी सुल्तानगंज के तरफ से और जो है भागलपुर के तरफ से आ रहा था पिकअप। पिकअप ने मतलब ऑटो वाला को मार दिया था। कहाँ पे हुआ ये घटना? ये हुआ है कासिमपुर चौक के पास। जी जी। कितने लोग घायल हुए हैं? 10 से 12 आदमी घायल है। क्या चीज? 5 को रेफर किया गया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई नई नियमावली 2023 के विरोध में शुक्रवार को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के आह्वान पर भागलपुर के घंटाघर चौक से नियोजित शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। प्रदर्शन जुलूस का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष पूरन कुमार ने किया, जबकि इस दौरान जिले के सभी प्रखंडों से पहुंचे काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिका ने जुलूस और धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद की। वहीं प्रदर्शन जुलूस भ्रमण करते हुए समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय के समीप पहुंचा, जहां जुलूस धरना में बदल गया, जिसे अध्यक्ष पूरन कुमार समेत कई शिक्षक नेताओं ने संबोधित किया। अपने संबोधन में पूरन कुमार ने कहा कि 18 नवंबर 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ हुई वार्ता में सरकार की नई नियमावली 2023 में सभी कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के अलावा कई मांगों पर बातचीत हुई थी, लेकिन नीतीश सरकार ने नई नियमावली में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा नहीं देकर बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेने का प्रावधान किया है, जिससे सभी शिक्षक काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल राज्य सरकार से नई नियमावली 2023 में संशोधन कर नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने, पुराना वेतनमान और पुरानी पेंशन लागू करने, 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले शिक्षकों को SEP का लाभ देने, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल करने, मातृत्व एवं चिकित्सा अवकाश की अवधि का वेतन भुगतान करने, शिशु देखभाल के लिए शिक्षिकाओं को 2 वर्ष का अवकाश देने, सेवा के दौरान 1 बार ऐच्छिक स्थानांतरण देने, सेवा अवधि में मृत्यु होने पर आश्रितों को 20 लाख की राशि देने समेत 9 सूत्री मांग करती है। साथ ही कहा कि अब वो सभी सरकार से हर स्तर पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। इस दौरान संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्री मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। वही शिक्षिका नूतन भारती ने कहा कि वो सभी शिक्षक हैं और उन्हें स्कूलों में बच्चों को पठन पाठन कराना ही अच्छा लगता है, लेकिन नीतीश सरकार की गलत नीतियों और शिक्षक विरोधी कदमों के कारण उन सभी को विवश होकर सड़क पर उतरना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी राज्य सरकार ने उन सभी की मांगों को पूरा नहीं किया तो आगे बड़े स्तर पर पटना में आंदोलन किया जाएगा। मौके पर वीर शिवाजी, नवल किशोर मंडल, सुलेखा कुमारी, कुमारी जागृति समेत काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे।
हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो नई शिक्षा नीति बनाया गया है 2023 शिक्षक विरोधी है। हम शिक्षिका बहने सब इसका विरोध करते हैं। हम लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और सड़क पर बार बार उतरने के लिए ये बिहार सरकार हमें मजबूर करती है। हम लोग विद्यालय में पठन पाठन करने के लिए आए हैं और हमें वही अच्छा लगता है कि हम बच्चों के बीच अपना शिक्षा दान करें, लेकिन ये नीतीश सरकार हमें बार बार सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करती है। हमारी मांग है कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हम महिला शिक्षिकाओं के को और भी ज्यादा परेशान है। महिलाओं के लिए भी नीतीश कुमार नहीं सोच रही है कि हम महिलाएं अपने बच्चों से दूर, अपने पति से, अपने घर से दूर नौकरी कर रहे हैं। आज तक हमारा स्थानांतरण नहीं हो पाया है और हम लोग बहुत दिक्कत में अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यही शिक्षा मंत्री द्वारा वर्तमान में 18 नवंबर 2022 को एक वार्ता हुई थी संघ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, पुराना वेतन देंगे, पुरानी पेंशन देंगे, लेकिन नई नियमावली 2023 जो विद्यालय अध्यापक बनाई गई है उसमें हम नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा न देते हुए और बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया, जिसमें बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। नवगछिया लोक विकास पार्टी ने शुक्रवार को बिहार सरकार द्वारा कारा कानून में संशोधन किए जाने का विरोध करते हुए नवगछिया अनुमंडल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व सुदामा दास ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार ने कारा कानून में संशोधन कर कई सजायाफ्ता बाहुबली और अपराधी को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके कारण अब बिहार में कई ऐसे अपराधी छुट्टा घूमेंगे जिनकी पूर्व डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में अहम भूमिका है। वहीं पार्टी के नेताओं ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इस कानून के संशोधन को नीतीश सरकार वापस नहीं लेती है तो वे सभी आगे आंदोलन और तेज करेंगे। मौके पर उमेश शर्मा, बम दास, अमित कुमार, वृंदेश्वरी राम समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर के प्रतिष्ठित सीएमएस स्कूल में 30 अप्रैल को एल्यूमिनियाई मीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर स्कूल में साफ सफाई और रंग रोगन के साथ समारोह की तैयारी जोरों पर है। इसको लेकर सीएमएस स्कूल के 1977 बैच के पूर्ववर्ती छात्र शैलेश सिंह ने बताया कि पिछले 150 वर्षों में कभी भी एल्यूमिनियाई मीट या इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, जबकि इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में बेहतर मुकाम पाने वाले सैकड़ों छात्र देश विदेश में बड़े बड़े पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं और कई पूर्ववर्ती छात्र वर्तमान में भी उच्च पदों या कंपनियों में कार्यरत है। शैलेश सिंह ने कहा कि विद्यालय भवन और सभागार रख रखाव के अभाव में जर्जर स्थिति में बदलता जा रहा है और इसे सवार कर इसके गौरवमयी अतीत को संजोने की जरूरत है। साथ ही कहा कि कार्यक्रम में इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुके कई पूर्व शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और आगे भी यह सिलसिला जारी रहे, इसके लिए सभी पूर्ववर्ती छात्रों की ओर से प्रयास किया जाएगा। संडे को 6 बजे हम लोग पुराने स्टूडेंट जितने भी हैं इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, उन लोगों का एक हम लोग ग्रुप बना के, एक एलिमिनी ग्रुप बना के हम लोग ये यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा स्कूल का जो जर्जर स्थिति है, इस स्थिति बहुत ही ख़राब हो गया। जब तक हम लोग पढ़ते, जैसे हम, मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह, 1977 बैच के हैं। हम लोगों के समय में कादिर सर थे प्रिंसिपल, उस समय स्थिति थोड़ा मजबूत था। उसके बाद थोड़ा सा देख रहे हैं कि स्कूल का डाउनफॉल हो रहा है, तो जब भी हम लोग देखते थे स्कूल की स्थिति तो हम लोगों का दिल टूट जाता था कि जिस शिक्षा मंदिर में शिक्षा ग्रहण किए हैं उसकी ये स्थिति है। तब फिर हम लोगों ने विचार किया कि क्यों न हम लोग स्कूल का जीर्णोद्धार किया जाए, मरम्मत हुआ, टूटा उटा जो सब चीज़ को ठीक किया जाए, उसी के लिए तब तक हम लोगों ने सोचा कि कुछ कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे 4 शिक्षक जीवित हैं हम लोगों के समय के, सभी 85+ हैं। पहला डॉक्टर राम उतार सर हिंदी के थे, वो गया में रहते हैं। दूसरा राम नगीना सर पीटी टीचर थे। तीसरा है सुलेमान सर और चौथा है सलाउद्दीन सर। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ, रेल प्रशासन RPF और GRP के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर के स्थानीय लोगों के द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का फूलों से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बैंड बाजा और नगाड़ा के साथ फूलों की होली खेलकर जोरदार तरीके से जय श्री श्याम खाटू नरेश की जय समेत कई जयकारों के साथ भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि झारखंड के साहिबगंज में बाबा श्याम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने को लेकर राजस्थान
राजस्थान के सीकर जिला स्थित खाटू धाम से खाटू श्याम जी का शिष्य लेकर ब्रह्मपुत्र मेल से श्रद्धालु साहिबगंज तक की यात्रा कर रहे थे और बाबा श्याम का शेष भागलपुर की धरती होकर ब्रह्मपुत्र मेल द्वारा साहिबगंज जाने के क्रम में भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान भागलपुर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं प्राचीन खाटू श्याम मंदिर और सांवरिया सेवा ट्रस्ट भागलपुर के अधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य को लेकर वर्ष 1861 ईस्वी में हुई खुदाई के दौरान महात्मा बुद्ध की भव्य प्रतिमा मिली थी, जिसे तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के द्वारा अपने कब्जे में लेकर इंग्लैंड भेज दिया गया और महात्मा बुद्ध की वो प्रतिमा आज भी इंग्लैंड के बर्मिंघम में म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। वहीं इसको लेकर सुल्तानगंज के पंकज कुमार ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को वापस भारत लाने के लिए अजगैवीनाथ धाम से 12 मार्च को पैदल यात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद से पंकज कुमार ने 1400 किलोमीटर की दूरी 44 दिनों में तय कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी बात रखने की इच्छा जताई, लेकिन आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी के कारण उन्होंने पीएम के मुख्य सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इसको लेकर और मुख्य सचिव ने पंकज कुमार को आश्वासन देकर जल्द ही उनके ज्ञापन पर विचार कर भारत सरकार द्वारा उनसे संपर्क करने और इस विषय में पहल करने की बात कही गई। वहीं पंकज कुमार पासवान ने कहा कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लाने को लेकर किए गए पैदल यात्रा के दौरान उन्हें बिहार सरकार के द्वारा किसी भी तरह की मदद या सुरक्षा संबंधी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, जबकि बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने पर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें ठहरने के साथ पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई। साथ ही कहा कि राजधानी दिल्ली में भी भारत सरकार के द्वारा उन्हें पुलिस बलों ने गाड़ी में बैठा कर जंतर मंतर तक पहुँचाया, जिसके कारण वो ऐसे सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस यात्रा के दौरान उनकी मदद की। सर, मेरा पदयात्रा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा और मैं अजगैवीनाथ धाम सुल्तानगंज से जो पदयात्रा स्टार्ट किया कमरगंज पहुंचा और कमरगंज से फिर मैं नवागढ़ी होते हुए मैं सिंघिया एक गांव आता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, मैं मंदिर में वहां रुका। वहां के लोगों के द्वारा मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत ही आश्वासन भी मिला लोगों से कि कि आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं अपना भारतीय धरोहर को वापस लाने के लिए। और मैं सवेरे फिर मैं निकल पड़ा और दूसरा दिन मैं लखीसराय में रुका बजरंगबली स्थान में, फिर तीसरे दिन मैं हाथीदह के आसपास में वहाँ भी मैंने मंदिर में रुका। फिर इसी तरह से याद भी नहीं आ रहा, इसी तरह से मैं फतवा बाढ़ रुकते हुए गया और पटना पहुंचा। पटना में मैंने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूं और उनको बताएं कि सर हम पदयात्रा पे हैं और हम दिल्ली जा रहे हैं 1861 ईस्वी में रेलवे में की नींव खुदाई के दौरान
भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकली थी, उन्हीं को वापस लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहा हूँ। लेकिन बिहार सरकार जो है कि मुख्यमंत्री जी व्यस्तता के कारण से या जो भी हो हमसे नहीं मिले। भागलपुर के मध्य विद्यालय जगदीशपुर में कक्षा 1 से 3 के नामांकित बच्चों के अभिभावकों के साथ अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल संसद की सदस्य तन्नू कुमारी, खुशी सृष्टि, अंजलि और लक्की समेत कई बच्चों ने पुष्प वर्षा कर अभिभावकों का स्वागत किया। वही कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय शिक्षा समिति की सचिव पिंकी देवी, शिक्षक बिंदु कुमारी, प्रतिमा मिश्रा, भारती कुमारी समेत कई अभिभावकों ने संयुक्त रूप से प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने प्रतिदिन विद्यालय भेजने का निवेदन अभिभावकों से किया, जिससे स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर भविष्य को नई दिशा दी जा सके। इसके बाद प्रधानाध्यापक ने राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सफल 2 छात्रा आकृति आनंद और सरिखा कुमारी को अभिभावक की उपस्थिति में सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका बिंदु कुमारी एवं शिक्षक अविनाश सरोज ने किया। मौके पर कई शिक्षक समेत काफी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।